फाइनली दोस्तों iQOO Z7 Pro 5G फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और हमारे सामने इसकी सारी स्पेसिफिकेशन प्राइस डिटेल्स कंफर्म होकर निकल के आ चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्टोनिक यूट्यूब चैनल। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये है आपके सामने iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन। इसके बैक साइड में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो आपको यहां पे प्लास्टिक का बैक देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा और डिस्प्ले की बात की है दोस्तों, तो यहां पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ में यहां पर आपको दोस्तों पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 6.78 इंच की AMOLED कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी दोस्तों, जहां पर आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही, साथ में यहां पर आपको दोस्तों 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर जो परफॉर्मेंस है बहुत ही स्मूथ रहने वाली है, काफी बटरी और बेस्ट क्वालिटी की आपको यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं वहीं पर रैम और स्टोरेज की दोस्तों, तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपको यहां पर 8GB की रैम मिलेगी, 12GB की रैम मिलेगी, साथ में यहां पर आपको 128GB से लेकर 256GB की स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं यहां पे प्रोसेसर की दोस्तों, तो यहां पर बताया जा रहा है कि आपको यहां पर MediaTek Dimensity 7200 देखने को मिलेगा, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे है और यहां पर आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में बात करें यहां पे NT2 बेंचमार्क्स की दोस्तों, तो यहां पर जो स्कोर निकल के आता है वो तकरीबन 7 लाख के करीब निकल के आता है, तो यहां पर जो परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू द NT2 बेंचमार्क्स बहुत ही बढ़िया रहने वाली है आपके स्मार्टफोन के साथ में। बात कर लेते हैं यहां पे कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों, तो पीछे की तरफ आप देखते हैं तो आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं दोस्तों, यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा नहीं सिर्फ 2 कैमरा देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो सेंसर होगा दोस्तों वो होगा 64 मेगापिक्सल का सेंसर, जहां पर OIS का सपोर्ट मिलेगा, साथ में सेकेंडरी शूटर आपको मैक्रो या डेप्थ लेंस में से एक देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें यहां पे फ्रंट कैमरे की दोस्तों, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया दोस्तों, तो यहां पर इंडियन वेरिएंट के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और जैसे ही अपडेट्स आएंगे तो आपके स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड 14 भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहां पे बैटरी बैकअप की दोस्तों, तो यहां पर आपको 4600mAh की फुल बैटरी देखने को मिलेगी, जहां पर ये जो आपका स्मार्टफोन है वो कम से कम 66 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहां पे सेंसर्स की दोस्तों, तो यहां पर आपको फिंगर इन डिस्प्ले ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉकिंग और पैटर्न लॉक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहां पर आपको नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूल स्पीकर के ये साथ में आ सकता है स्मार्टफोन, जो कि अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन 3.5mm ऑडियो जैक सैडली आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं और भी अदर चीजों की, तो साइड में आपको यहां पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, साइड में फोन को लॉक अनलॉक करने का एक सिंगल बटन, और ओवरऑल लुक की बात किया दोस्तों, तो यहां पर जो स्मार्टफोन है बहुत ही स्लीक और पतला होने वाला है, जहां पर आपको ये फोन काफी प्रीमियम और बेस्ट क्वालिटी का दिखने वाला है। सो बात करें ओवरऑल लुक्स की दोस्तों, तो यहां पर जो फोन है काफी प्रीमियम होने वाला है, स्लीक रहेगा, पतला रहेगा, आपको यहां पर ज्यादा वेट भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रोसेसर भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से आपको यहां पे कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। बात कर लेते हैं यहां पे प्राइस और लॉन्चिंग डेट की दोस्तों, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को इंडिया में इसे लॉन्च किया जाएगा और हमने जितनी भी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की है, इस टोटल आपको इंडियन वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलेगी। साथ ही बात कर लेते हैं यहां पे प्राइस की दोस्तों, तो ऐसा माना जा रहा है कि 24,000 से 26,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में। साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपको प्राइस यहां पर देखने को मिल सकती है। सो गाइस, ये सारी चीज थी iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अच्छा लगे तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।